दोस्तों आज मैं दो ऐसे पैराडॉक्स पर चर्चा करने वाले हैं जिससे आपका दिमाग की बत्ती जल जाएगी। जी हाँ, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। जिस पैराडॉक्स का नाम है जीनोस पैराडॉक्स। जीनो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और यहां पर बात हो रही है 490 से 430 बीसी की, यानी ईसा पूर्व की, जब ये एलिया में रहा करते थे। यह एक फिलोसोफर थे और हमेशा दिमाग लगाते रहते थे पैराडॉक्स बनाने में। इन्होंने बहुत सारे पैराडॉक्स बनाए। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई यहां पर पैराडॉक्स का मतलब क्या है। देखिए, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, विडंबना। मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज है उसको अगर सही कहें तो भी सही है, गलत कहें तो भी सही है। मतलब कि कभी कभी होता क्या है कि दो स्टेटमेंट एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं और दोनों स्टेटमेंट लगता है कि सही है और गलत माने तो गलत है, ऐसी स्थिति आ जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं पैराडॉक्स। समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो आज की इस वीडियो में हम दो पैराडॉक्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला है द डाइकोटोमी पैराडॉक्स और दूसरा है एक्लिज एंड टर्टोइज पैराडॉक्स। नाम सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, लेकिन जब इसको आप समझेंगे ना तब बहुत मजा आएगा। सच बता रहा हूं, बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को कृपा करके अंत तक जरूर देखिए। चलिए, तो सबसे पहला पैराडॉक्स के ऊपर चर्चा करते हैं जिसका नाम है द डाइकोटोमी पैराडॉक्स। क्लियर? चलिए देखिए, यह है जीनो, यानी कि ग्रीक फिलोसोफर। एक दिन अपने घर में ये बैठे हुए थे, उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज हम पार्क घूमने के लिए चले जाएं, और सच में पार्क जाने के लिए तैयार भी हो गए। जब ये जीनो घर से निकले तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना आज हम हमारे घर और पार्क का जो बीच का दूरी है उसको हम आधा आधा करके ट्रेवल करें। भाई फिलोसोफर है, फिलोसोफर दिमाग तो हमेशा लगाते रहेंगे और कब क्या हो जाएगा इसका कोई भी पता नहीं है। और यहां पर देखिए कितना बड़ा यहां पर विरोधाभास उत्पन्न होने वाला है, कितना बड़ा स्टेटमेंट आने वाला है। इन्होंने सोचा कि क्यों ना आज हम इस पार्क और हमारे घर का जो बीच का दूरी है उसको हम आधा आधा करके ट्रैवल करें। चलिए अब यहां पर हम समझाने का प्रयास करते हैं कि इन्होंने क्या सोचा। मान के चलिए इस घर का मिड पॉइंट है यहां पर, मिड पॉइंट यहां पर है, और इस पार्क का मिड पॉइंट यहां पर है। क्लियर? इस पॉइंट का हम नाम दे दिए ए और इस पॉइंट का नाम दे दिए हम बी। क्लियर? ए और बी, ए है इनका घर और बी है पार्क जहां पर ये घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं। अब यहां से क्या करेंगे ये? अब हाँ, सपोज कीजिए कि ए से बी तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, कुछ होगा 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कुछ भी होगा, है कि नहीं? सीधा नहीं खींचा गया है। चलिए हम एक पतला सा लाइन ही खींचते हैं ताकि आपको एकदम अच्छी तरह तरीका से समझ में आवे। देखिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। क्या होगा? कुछ डिस्टेंस होगा। और मान लेते हैं कि वह जो डिस्टेंस है वो 16 किलोमीटर है। कितना है? 16 किलोमीटर। आप 1 किलोमीटर भी मान सकते हैं, 10 किलोमीटर मान सकते हैं, 1600 मीटर मान सकते हैं, जितना मानना है मान लीजिए। हम मान लिए कि यहां से यहां तक का बीच का दूरी 16 किलोमीटर है। अब ये घर से निकले, अब सोच कर तो ये निकले थे कि हम आधा आधा करके ट्रेवल करें, यानी जितना डिस्टेंस है घर और पार्क के बीच का दूरी जितना भी है उसका पहले आधा ये ट्रेवल करेंगे। मतलब कि यहां से क्या करेंगे, पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करेंगे, चलते 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 आधा दूरी पर आ गए। मान के चलिए कि आधा दूरी पर आ गए, मतलब कि इस पॉइंट पर आ गए। कहां पर आएगा आधा दूरी? लगभग में मान के चलिए यहां पर आया, इस पॉइंट पर आए, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 8 किलोमीटर होगा। कितना होगा? 8 किलोमीटर होगा। तभी ना यहां से यहां तक 8 किलोमीटर, फिर यहां से यहां 8, 16 किलोमीटर। अब क्या करेंगे? फिर यहां से यहां तक का जो भी डिस्टेंस होगा उसका आधा डिस्टेंस ये कवर करेंगे। मतलब कि यहां से यहां तक 8 किलोमीटर बचा हुआ है, तो इसका बीच का पॉइंट ले लीजिए और जितना डिस्टेंस होगा यानी 4 किलोमीटर, उतना ही डिस्टेंस कवर करेंगे। मतलब यहां से चलकर फिर वो यहां आएंगे, इस पॉइंट पर आ गए। अब इस पॉइंट पर आने के बाद में जो भी डिस्टेंस बचा हुआ है, फिर उसका आधा तय करेंगे। मतलब कि यहां, यहां और यहां के बीच का दूरी इतना मानिए, ठीक है? अगर यहां से यहां तक 4 किलोमीटर है तो उसका आधा कितना होगा? 2 किलोमीटर। मतलब कि यहां पर 2 किलोमीटर चलेंगे। फिर यहां से चलकर ये यहां आ गए,
आधा दूरी चल करके, ठीक है, फिर क्या करेंगे, जो भी दूरी बचा हुआ है फिर उसको डिवाइड करेंगे, फिर क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, मान लीजिए डिवाइड करने पर ये पॉइंट मिलता है, फिर ये क्या करेंगे चल करके ये कहां गए, यहां पर आ गए, यहां पर इस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट पर जैसे ही आए तो कितना किलोमीटर चले, एक किलोमीटर चले, कितना एक किलोमीटर, चलिए एक किलोमीटर हम लिख देते हैं एक किलोमीटर। फिर यहां पर जैसे ही वो आए, यहां पर जैसे ही आए फिर जो एक किलोमीटर बचा है फिर उसका आधा किए और फिर चले। तो इस तरह करके ट्रैवल करते करते सोच रहे थे कि हम यहां पर पहुंचेंगे, लेकिन उसके मन में एक विचार आया कि रे भाई इस तरह से अगर हम करते जाए आधा आधा दूरी करके हम ट्रैवल करें तो ये तो कभी दूरी खत्म होगा ही नहीं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस बच जाएगा और हम पार्क तक नहीं पहुंच पाएंगे। मतलब कि इस पैराडॉक्स का मतलब था कि मोशन इज नॉट पॉसिबल। सपोज कीजिए आपका ये घर है, आपका स्कूल है, आप अपने घर से स्कूल जाते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये चीज एक्चुअल में नहीं है। इस पैराडॉक्स के माध्यम से मतलब कि आप स्कूल पहुंच ही नहीं सकते हैं अगर आप आधा आधा दूरी करके जाते जाए तो कभी न, मतलब कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस बच ही जाएगा, एकदम इन्फिनिटी तक चले जाए, अनंत तक चले जाए, कुछ ना कुछ डिस्टेंस बच ही जाएगा, मतलब कि आप कुल मिलाकर पहुंच नहीं सकते हैं, ऐसा यहां पर कहा गया। और देखने में और समझने में भी लगता है कि भाई सही बात है, हम आधा आधा दूरी करके अगर हम ट्रैवल करें, ट्रैवल तो कर रहे हैं, तो हम अपने घर से निकले तो पार्क नहीं पहुंचेंगे, पहुंच जाएंगे। लेकिन ये यानी कि जिन्होंने यहां पर एक विरोधाभास उत्पन्न कर दिया, एक्चुअल में अगर देखें हम तो अपने घर से ये व्यक्ति यानी जिनो पार्क पहुंच गए होंगे, घूमे भी होंगे, पहुंच तो गए एक्चुअल में, लेकिन जब मैथमेटिकली देखा जा रहा है भाई आधा आधा डिस्टेंस तय करके देखा जा रहा है तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डिस्टेंस यहां पर बच जा रहा है। बात समझ आ रही, बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर पैराडॉक्स कैसे हुआ, विरोधाभास कैसे हुआ, ये कह रहे हैं यानी कि जीनो कह रहे हैं कि कोई भी डिस्टेंस पूरा कवर हो ही नहीं सकता है, मतलब कि आप डिजायर्ड लोकेशन पर सही ढंग से पहुंच नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ डिस्टेंस बच ही जाएगा, आप आधा करते जाइए करते जाइए कुछ ना कुछ बच जाएगा। और एक्चुअल में देखते हैं कि भाई हम लोग एकदम डिजायर लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। ये पार्क पहुंच जा रहे हैं और इसके मन में चल रहा है कि हम पार्क नहीं पहुंच रहे हैं, और दोनों देखने में सत्य लग रहा है। तो इसी चीज का नाम दिया गया है क्या चीज, द डाइकोटोमी पैराडॉक्स। अब इस चीज को सुलझाया कैसे जाए, अगर मैथमेटिकली ये सही है तो कैसे सही है, देखिए हालांकि ये गलत साबित हुआ लेकिन कैसे हुआ इसको समझिए। एक है प्लांक कांस्टेंट, प्लांक्स लेंथ कांस्टेंट, चलिए लिखते हैं यहां पर प्लांक्स लेंथ कांस्टेंट। अब यहां पर प्लांक्स नाम का एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है। अब ये किए क्या, एक लेंथ, एक एकदम छोटा से छोटा लेंथ जिससे जिसको उसको डिवाइड किया ही नहीं जा सकता है, वैसे लेंथ को डिस्कवर किए। और उस लेंथ का लंबाई था, यानी कि लेंथ का जो लंबाई था वो रूट अंडर था एच जी डिवाइडेड बाय सी का क्यूब, मतलब कि यहां पर एच है प्लांक्स कांस्टेंट, रिड्यूस्ड प्लांक्स कांस्टेंट, जी है ग्रेविटेशनल फोर्स का कांस्टेंट, और ये सी है ये स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये है, चलिए अब यहां पर कैलकुलेट करके जब निकाला गया तब ये आया 1.6162 इस तरह करके आया, इतने ही तक, तीन अंक तक ही लेते हैं, इंटू में 10^-35 मीटर, इतना को हम लोग बोलते हैं प्लांक्स लेंथ कांस्टेंट, मतलब कि इससे छोटा लेंथ पॉसिबल है ही नहीं, इन्होंने बताया कि इन्होंने प्लांक्स लेंथ। अब यहां पर क्या होगा, अब ये जो है यानी जीनो जो है पार्क पहुंच जाएंगे, पार्क आराम से पहुंच जाएंगे, क्यों पहुंच जाएंगे, क्योंकि भाई इससे छोटा लेंथ नहीं होता है, जब ऐसा लेंथ में वो पहुंच जाएंगे आधा करते 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 जब इस लेंथ में पहुंचेंगे तब तो इसको आधा नहीं किया जाएगा, जब आधा नहीं किया जाएगा तो फिर वो पार्क पहुंच जाएंगे, ये कहना था प्लांक्स लेंथ कांस्टेंट का। बहुत लोग अभी भी प्लांक्स लेंथ कांस्टेंट को नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि भाई इस लेंथ को भी आधा किया जा सकता है, और हमें भी लगता है और आपको भी लगता होगा, लेकिन खैर यहां पर जो दिख रहा है ये बहुत छोटा लेंथ है, इतना छोटा लेंथ है, इतना छोटा लेंथ है कि कहना नहीं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, उतना छोटा लेंथ है। तो यहां पर इस तरह से मैथमेटिकली प्रूव किया गया। हाँ, एक तरीका और है, एक तरीका और है, उसको भी हम बता देते हैं। एक तरीका और है मैथमेटिकली प्रूव करने का। यहां पर जीनो जो थे बोल रहे थे कि किसी भी लेंथ को कवर करने में इनफिनाइट डिस्टेंस हमें तय करना पड़ेगा और हमें इनफिनाइट टाइम भी लगेंगे, टाइम भी बहुत ज्यादा लगेंगे, इनफिनाइट अनंत, अनंत कहने का मतलब जिसका अंत हो ही ना, मतलब कि इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में हमें अनंत समय लगेगा और अनंत डिस्टेंस तय करना भी पड़ेगा। हम देख रहे हैं आधा आधा जब तय कर रहे हैं जीनो, तो वही चीज प्राप्त हो रहा है कि नहीं, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एकदम फील होना चाहिए, महसूस होना चाहिए। चलिए, अब यहां पर बात आई इनफिनाइट डिस्टेंस, इनफिनाइट टाइम। तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि भाई यहां पर अगर इनफिनाइट डिस्टेंस तय की जा रही है तो जब हम ऐड करेंगे और हम जानते हैं कि यहां से यहां के बीच का दूरी 16 किलोमीटर है तो 16 किलोमीटर आना चाहिए। अब 16 किलोमीटर तो एक फाइनाइट डिस्टेंस है, अब यहां पर जब योग करेंगे तो हमें इनफिनाइट प्राप्त होगा। जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है शायद आपको, जैसे कि कहने का मेरा मतलब यह है, जैसे कि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर, चलिए 8 किलोमीटर लिख दिए, प्लस फिर यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर किया गया था 4 किलोमीटर, तो लिख दें 4 किलोमीटर, प्लस फिर यहां से यहां कितना है 2 किलोमीटर, फिर यहां से यहां कितना है 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर जो बच गया था फिर उसको आधा करेंगे 0.5 किलोमीटर, इस तरह करते करते आधा आधा होते होते कितना चला जाएगा, इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। अब जब सबको ऐड करेंगे तो इन्फिनिटिव आना चाहिए, यानी अनंत आना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इनफाइनाइट टर्मों का, इनफाइनाइट टर्म्स का फाइनाइट आंसर भी हो सकता है। अब वो कैसे, समझिए जरा इस चीज को। चलिए मान लेते हैं कि जब ये सब को हम ऐड करें, यानी जिन्होंने ट्रैवल किया, जिन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है, जो डिस्टेंस यहां से यहां तक ट्रैवल किया है वो सबको हम ऐड कर दिए तो 16 किलोमीटर प्राप्त होना चाहिए। अगर 16 किलोमीटर प्राप्त हो गया तो समझ जाएंगे भाई सही है, यहां पर इन्फिनाइट और इन्फिनाइट टाइम, इन्फिनाइट डिस्टेंस का यहां पर बात ही नहीं होगा। चलिए प्रूव करते हैं। मान लेते हैं कि सबको जोड़ने पर हमें x प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, x प्राप्त हुआ, तो इधर हम x लिख दिए, क्या लिख दिए, x लिख दिए। अब यहां पर क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 2 से गुना कर देंगे, दोनों तरफ हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। तो लिख देते हैं यहां पर दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, गुना करने पर, चलिए अब 2 से गुना करते हैं, अगर 2 से दोनों तरफ गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 2x, बराबर में हो जाएगा 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, यहां पर हो जाएगा 16 किलोमीटर, फिर ये भी 2 से गुना होगा तो यहां पर प्लस में हो जाएगा 8 किलोमीटर, फिर ये भी 2 से गुना होगा तो 2 × 4 किलोमीटर हो जाएगा, फिर ये 2 से गुना होगा 2 किलोमीटर हो जाएगा, फिर यहां पर 0.5 होगा वो क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसी तरह से करते 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 इन्फिनिटिव तक ये भी चला जाएगा बात, यानी अनंत तक, यानी अंत होगा ही नहीं। अब यहां पर एक चीज देख सकते हैं, ये जो 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर जो है इन्फिनिटिव तक गया है, इसको हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे, मतलब इस जगह से इस जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई ये वाला तो फिर अलग हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अरे भाई ये समझिए समुद्र है, ये क्या है, समुद्र है, और यहां पर एक बूंद पानी है, रख देंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, बस वही चीज है। तो यहां हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा 16 किलोमीटर प्लस में, अब यहां पर इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर में 8 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर यही वाला चीज है। तो चलिए इस जगह पर हम x लिख दिए, अगर इधर x लिखें तो ये x जो प्लस में इधर है इधर आके माइनस में आ जाएगा, मतलब 2x माइनस में x, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा, x बराबर में कितना आया 16 किलोमीटर आया। देखिए अब डिस्टेंस तो आ गया, यानी जिन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया था एक्चुअली वो तो जोड़कर 16 किलोमीटर आ गया, मतलब कि जीनो का जो कहा गया बात था वो असत्य था, उतना सही नहीं था, लेकिन फिर भी पैराडॉक्स है क्योंकि तो यहां पर जो कैलकुलेशन किए हैं इस चीज को छोड़ करके, यहां पर एक्स का मान रखे हैं, इसको हम समुद्र मान लिए हैं, है कि नहीं, तो कुछ ना कुछ तो चेंजिंग जरूर है। खैर चलिए अब दूसरे पैराडॉक्स पर आते हैं, दूसरे पैराडॉक्स पर, यहां पर देखिए ये है एक्लिज एंड टर्टोइज पैराडॉक्स। एक्लिज एक महायोद्धा थे, ठीक है, जिस समय क्या बोलते हैं ट्रोजन नाम का युद्ध हो रहा था, उस समय ये हीरो के नाम से जाने जाते थे, वो ट्रोजन वार का हीरो थे। अब कछुआ यानी कि टर्टोइज और ये मतलब कि एक्लिज के बीच में एक क्या बोलते हैं रेस कराया गया, रेस, और समझिए ये मंजिल है इस जगह पर, ये दोनों को पहुंचना है,
ये दोनों को इस मंजिल पर क्या करना है, पहुंचना है। लेकिन इस कछुआ को थोड़ा सा क्या किया गया, एक्लीज के आगे बढ़ा दिया गया, ताकि फिर दोनों एक ही मोमेंट में चलना प्रारंभ किए। ठीक, ऐसा ही रेस करवाया गया। थोड़ा सा जो कछुआ था इससे आगे था और ये हल्का सा पीछे था। अब दोनों में रेस हुआ, और रेस होगा तो देखने में भी लगता है कि भाई यही आदमी जीतेगा, सिंपल सी फंडा है। कछुआ धीरे धीरे चलने वाला एक जीव है, तो कहां से चल पाएगा, कहां से रेस जीत पाएगा, ऐसा लगता है। और बात भी सही है कि ये जीत जाएगा, लेकिन देखिए जीत नहीं पाएगा। ये पैराडॉक्स के बाद आप समझेंगे कि जीत नहीं पाएगा, यानी जीनोस पैराडॉक्स के अंतर्गत अगर हम समझेंगे तब। देखिए होगा क्या, जैसे कि मान के चलिए कछुआ, अब दोनों मान के चलिए ये दोनों फिक्स पॉइंट में है, ये इस पॉइंट पर है, ये इस पॉइंट पर है। अब दोनों एक टाइम चलना प्रारंभ किए। अब जैसे ही एक टाइम चलना प्रारंभ करेंगे, मान के चलिए कछुआ जैसे ही यहां आया, देखिए सबसे पहले ये जो एक्लीज है इनको पहुंचना पड़ेगा कहां पर, कछुआ के पॉइंट पर। अब जैसे ही कछुआ के पॉइंट पर ये पहुंचेंगे, वैसे ही कछुआ कुछ ना कुछ डिस्टेंस आगे कवर कर लेगा, फिर एक पॉइंट और मिल जाएगा, फिर जैसे ही एक्लीज आगे जाएंगे उस पॉइंट पर, वैसे ही कछुआ थोड़ा सा और आगे हो जाएगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस और कवर कर लेगा। फिर मान के चलिए कोई पॉइंट प्राप्त हुआ, फिर ये एक्लीज जो है उस पॉइंट पर जाएंगे, वैसे ही कछुआ इकट्ठी और आगे हो जाएगा, धीरे धीरे आगे ही हो रहा है। तो कुल मिलाकर के रिजल्ट प्राप्त होगा, कछुआ यहां पर जीत जाएगा और ये जो एक्लीज है हार जाएगा, क्योंकि यहां पर कछुआ कुछ ना कुछ आगे डिस्टेंस कवर कर ले रहा है कि नहीं। तो यहां पर लगता है कि कछुआ जीत जाएगा, लेकिन एक्चुअल में हम लोग देखते हैं कि कछुआ नहीं जीतेगा, ये जीतेगा। और यही जीता भी था, यही जीता भी था, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट था ये, क्लियर। तब तो यहां विरोधाभास उत्पन्न हो गया। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो लगता है कि कछुआ जीतेगा, और अगर एक्चुअल में देखें तो ये जीत रहा है भाई, ये कैसे। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पैराडॉक्स पड़ गया। क्या पड़ गया, पैराडॉक्स पड़ गया। तो इसका भी आंसर प्लैंक्स लेंथ कांस्टेंट के द्वारा सॉल्व हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए ये दोनों जब चलना प्रारंभ किए थे, अब मोमेंटम दोनों का अलग अलग हो सकता है, ये थोड़ा सा तेज गति से चलेगा, है कि सिंपल सी बात है, क्योंकि भाई ये आदमी है, ये कछुआ है, धीरे धीरे चलने वाला जीव है। अब ये जैसे ही चला इस पॉइंट पर आया, वैसे ही कछुआ थोड़ा सा आगे गया होगा, फिर जैसे ही अगला पॉइंट पर पहुंचा तो कछुआ थोड़ा सा आगे गया होगा। इसी तरह करते करते थोड़ा थोड़ा इतना थोड़ा हो गया होगा कि प्लैंक्स लेंथ में, मतलब कि प्लैंक्स लेंथ आ गया होगा, मतलब कछुआ और ये आदमी के बीच का जो दूरी है वो प्लैंक्स लेंथ के बराबर हो गया होगा, यानी 1.616 × 10⁻¹⁵ मीटर। अब उस डिस्टेंस को तो ना हाफ किया जा सकता है, ना उसको तोड़ा जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में फिर ये आदमी जो है जीत जाता है रेस को। तो यहां पर इस तरह करके सॉल्व किया गया था उस चीज को, ठीक है। तो अभी भी प्लैंक्स लेंथ कांस्टेंट को बहुत लोग नहीं मानते, खैर माने या ना माने, बाद में क्या होगा कोई पता नहीं, इस पर और भी शोध होना बाकी है, क्लियर। यहां पर भी आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन रह ही गया होगा, और वो कंफ्यूजन धीरे धीरे दूर हो जाएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो ये दोनों पैराडॉक्स आपको कैसे लगे, अगर अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।